आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टूडेंट कार्ड यानी कि स्टूडेंट आईडी बनाना सीखेंगे। एमएस ऑफिस में हम स्टूडेंट आईडी कैसे बनाते हैं और किस तरह इसको डिज़ाइन करते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह हम आज इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ से पेज लेआउट में हम जो डिज़ाइन बनाना जा रहे हैं तो उसकी साइज़ सिलेक्ट करेंगे कि जो हमारे पास जो पे मतलब स्टूडेंट आईडी होता है उसकी विड्थ और हाइट कितनी होती है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा 4 जो कि एक सूटेबल होती है स्टूडेंट आईडी के लिए, और यहाँ पर मैं 3.5 लिखूँगा क्योंकि ये सूटेबल होती है किसी भी एक आईडी कार्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाऊंगा और शेप सिलेक्ट करूंगा, शेप की जो मैंने अपर साइड बनानी है उसके लिए यहाँ से ये ड्रा करूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। ये यहाँ से हमने मिला दिया, इसको भी यहाँ से मिला दिया है, और यहाँ पर मैंने लिखना है पंजाब प्रूफ ऑफ कॉलेज, मतलब कोई भी आप इदारा लिख सकते हैं, किसी के स्कूल का नेम भी लिख सकते हैं। तो ऐड टेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जी, और यहाँ से मैं इसको साइज़ इंक्रीज कर सकता हूँ, ये हो गया। और यहाँ से मैं इसकी जो स्टाइल वगैरह फॉन्ट के वो भी चेंज कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा हैवी हो गया, इसको मैं थोड़ा लेस कर लेता हूँ क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पर लोगो भी सेट करना है। लोगो सेट करने के लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है पीजीसी का लोगो अपनी पिक्चर, और यहाँ से मैंने स्टोर की हुई है पीजीसी लोगो और ये यहाँ पे आ गया। अब ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मेट में जाके वेब टेक्स्ट में जाके हम यहाँ पर इसको, क्योंकि जो हम फाइल एडिट करते हैं और इंसर्ट करते हैं वो क्या होता है, बैकएंड में चली जाती है, जो पहले आए होते हैं वो फ्रंट पे होते हैं, जो सेकंड वन फाइल अपलोड करते हैं वो सेकंड वन में चली जाती है, मतलब बैकएंड पे चली जाती है। इसलिए हम जो लास्ट में वो इंसर्ट करते हैं उसको फ्रंट में ले आने के लिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। अब ये मूवेबल हो सकती है और यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर मैं इसकी साइज़ कम करके इसका लोगो बना देता हूँ। ये लोगो हमारे पास सेट हो गया है, ये अब ओके हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है इसका वाटरमार्क भी इस लोगो जैसा हो, कंप्लीट अच्छा डिज़ाइन बन जाए। उसके लिए दोबारा मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा, वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मुझे वाटरमार्क का, तो यहाँ मैं कस्टम वाटरमार्क चूज़ करूँगा, वहाँ पर नो वाटरमार्क और पिक्चर वाटरमार्क को क्लिक करूँगा, सिलेक्ट पिक्चर, और यहाँ पर नेट कनेक्ट नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा नेट कनेक्ट कर रहा हूँ, नेट कनेक्ट हो गया है। तो अगर नेट नहीं भी है आप वर्क ऑफलाइन भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी गया हूँ, तो ये पीजी से मैंने सिलेक्ट किया है। इट टेक सम टाइम्स, ये देखिए आप ये शो हो रहा है और ये हल्का सा नज़र आ रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको वॉश आउट नहीं करता मैं, आप देखते हैं थोड़ा, ये देखिए आप ये अच्छा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैं उस स्टूडेंट की डिटेल लिखता हूँ कि स्टूडेंट का नेम क्या है, फादर नेम क्या है और उसका रोल नंबर क्या है और क्लास कौन सी है। तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा खुद का एक टेक्स्ट बॉक्स मैं खुद ड्रा करूंगा कि ये यहाँ से यहाँ पर ये हो गए। यहाँ पर मैं एस नेम लिखता हूँ, मतलब स्टूडेंट नेम लिखता हूँ, मैं खुद का नेम लिखता हूँ एम फाहिम, और एफ फादर नेम का मैं अहमद, और क्लास भी ए बी सी लिख लेता हूँ मैं, कोई भी क्लास आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब रोल नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी रोल नंबर
1 2 3 4, ये रूल नंबर हमने सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका जो गैप है बहुत ज़्यादा है, इस गैप को कम करने के लिए मैं होम पे जाऊँगा और इसकी लाइन स्पेसिंग जो ऑटोमेटिकली गिवन होती है उसको मैं रिमूव करूँगा। ये थोड़ी ज़्यादा ही करीब आ गया, इसके लिए मैं 1 1.0 1.5 वन पॉइंट पे रखता हूँ। ये ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। अब ये हो गया है, प्रिपेयर हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब जो मैंने वाटर मार्क दिया था पीछे वो गायब हो गया है। उसको लाने के लिए मैं पहले इस बॉक्स को क्लिक करूँगा, उसके बाद फॉर्मेट। फॉर्मेट इसलिए यूज़ होता है जो भी जिस जिस ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का जो फॉर्मेट है वहाँ का डिज़ाइनिंग फॉर्मेट वे सारी होगी। तो इसलिए ये आउटलाइन मतलब ये जो ये ब्लैक ब्लैक की ठहर गई है, ये इसको हमने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद उसके बाद जो वाटरमार्क गायब हो गया है उसको भी ज़ाहिर करना है, क्योंकि ये जो नज़ीर अहमद जो करेक्टर है उसके पीछे वाइट कलर का ये ग्राउंड बन गया है, इसको भी रिमूव करना है। जब वो ये रिमूव हो जाएगा उसके बैकएंड पे जो हमारा लोगो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने इसको क्लिक कर लिया है और शेप फिल जो फील है इस कलर पे जो मैं रंग चेंज करता हूँ, आप देख रहे हैं कि किस तरह ये रिमूव हो रहा है, ये कलर चेंज हो रहे हैं। अब मैंने इसको चेंज मतलब मैंने अब सिलेक्ट नहीं करना इसका, नो फील करूँगा। पीछे देखें ये नज़र आ रहा होगा आपको लोगो। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो लाइनें हैं जो बॉक्स की लाइन है उसको मैं रिमूव करूँगा, उसको भी शेप आउटलाइन में जाकर इसको भी मैं नो आउटलाइन कर सकता हूँ। अगर आप इसकी आउटलाइन देना चाहते हैं तो आप भी दे सकते हैं, इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह ये चेंज हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसकी लाइनें हैं वो थोड़ी बड़ी हों, ये भी आप कर सकते हैं। ये देखो चेंज हो रही हैं आपके, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह मैं इसको नो आउटलाइन करूँगा, आप देख सकते हैं कि ये क्लियर हो गया है। इसलिए मैं थोड़ा इसको बोल्ड करूँ, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। अब ये स्टूडेंट कार्ड, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद मैं पिक्चर अपनी ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं शेप इंसर्ट में जाके शेप और जो पिक्चर मैंने सेलेक्ट करनी है वो भी खूबसूरत नज़र आए ना, इसलिए इस तरह की इसकी आउटलाइन भी खूबसूरत हो यहाँ से। और ये शेप फिल इसकी आउटलाइन मैं चाहता हूँ कि ग्रीन आए, ग्रीन आए, और इसकी जो वेट हो वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर इसके जो ये नज़र आ रहा है ये ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर मैं अपनी पिक सेट करूँगा, उसके लिए यहाँ पर फिल का ऑप्शन मिलेगा आपको, और यहाँ पर मैं पिक्चर सिलेक्ट करूँगा, वहाँ पर ब्राउज़, उसके बाद ये मेरी पिक है और मैं यहाँ पर लगाऊँगा इसको, डबल क्लिक करूँ या खुद ब खुद यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है इसका, जो इसकी आउटलाइन है वो भी ब्यूटीफुल लग रही है। अगर आप इसके आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, और इसकी जो आउटलाइन के मतलब जो इसका डिज़ाइन है वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये शेप मोटी भी हो सकती है और इतनी भी ये भी हो सकती है, और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यही लगा देता हूँ। उसके बाद आप नीचे बॉटम पे बनाने के लिए उसके लिए भी हम इंसर्ट पे जाएंगे और वहाँ पर शेप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम ये शेप हमने सिलेक्ट कर ली, और ये देखिए कंप्लीट एक खूबसूरत सा हमारा आईडी कार्ड बन गया है, स्टूडेंट आईडी कार्ड बन गया हमारे पास। और यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी कार्ड में एक और यहाँ पर एक मैं बार कोड भी डालूँगा स्टूडेंट आईडी का, स्टूडेंट के रिकॉर्ड उस बार कोड में होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लोगो इंसर्ट करूँगा, पिक्चर में जाऊँगा और लोगो क्या होना चाहिए, लोगो मैं अपनी बस यही डाल देता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर लोगो जो है वो सर्कल की शेप में हो, तो उसके लिए इंसर्ट में शेप और यहाँ पर इसको चूज़ करूँगा, और इसको जब यहाँ से मैं फिल के ऑप्शन में पिक सिलेक्ट करूँगा और ब्राउज़ में जाके
और इस पीजीसी को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसका देख लें कि ये डिज़ाइन शो हो रहा है, इसका लोगो आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसकी जो आउटलाइन है वो नन पे आ जाए। अब इसका लोगो आ गया है, और यहाँ पर आप नेम लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं पीजीसी। उसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं पीजीसी लिख देता हूँ, DGK। और ये रिमूव हो जाए, फिल ना हो, नो फिल। और इसका जो आउटलाइन हो वो भी नन हो। कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, कलर इसका वाइट रख देते हैं, और इसका डिज़ाइन थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं, और इसका कोई या ये ठीक रहेगा। तो ये आ गया पीजीसी डीजी का, यहाँ पर लिख दिया हमने, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम बार कोड ऐड करने वाले हैं। बार कोड ऐड किस तरह ऐड करते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक शेप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करने वाला हूँ, और यहाँ से यहाँ तक एक शेप सिलेक्ट मैंने कर ली। इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं थोड़ा इसको फिल करना चाह रहा हूँ, इसको वाइट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये जो शेप है इसकी थोड़ी यहाँ से टेढ़ी हो जाए, जो एक अच्छी नज़र आए। तो उसके लिए मैं यहाँ से एडिट पॉइंट का चूज़ करूँगा, और वहाँ पर ये देखिए आप मूव हो रहा है, और ये इस तरह ब्यूटीफुल नज़र आएगा। ये देखें किस तरह अच्छा सा लग रहा है, ये ब्यूटीफुल हो गया। अब हम बार कोड ऐड करेंगे स्टूडेंट कार्ड में। तो इंसर्ट में जाके हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे और ख़ुद से ड्रा कराएंगे, और यहाँ पर जो यहाँ पर वाइट स्पेस मैंने दी हुई है वहाँ पर हम यहाँ, और यहाँ पर अपना नेम मतलब स्टूडेंट की कोई आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बार कोड में हाइड कर सकते हैं। मैं अपना नेम लिख लेता हूँ और स्टडी टाइम, और इसके जो बैकग्राउंड है वो मैं ये वही फार्मूला नो फिल, और आउटलाइन भी आउटलाइन नो फिल। और उस बेसिक अब बार कोड है, बेसिकली बार कोड क्या होता है कि एम एस ऑफिस में बार कोड एक फॉन्ट होता है कि किस इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एक फॉन्ट को चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है बार कोड, ऐसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये चेंज हो गया, ये कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, इसके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ। जब आप इसको स्कैन करेंगे किसी बार कोडर से तो ये खुद ब खुद जो हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने एक स्टूडेंट आईडी बनाना सीखा इन एमएस ऑफिस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।